नीपा, एक ऐसा घातक वायरस जो जानवरों के जरिए इंसानों को अपना शिकार बना रहा है, जिसकी वजह से केरल में हाई अलर्ट है और देश के कई शहरों में भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस बारे में और इस वायरस के बारे में बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अजय जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी में। नमस्कार सर। ये वायरस आम भाषा में क्या है, इसके क्या लक्षण हैं, किस वजह से ये लोगों को वायरस बीमार कर रहा है और क्या इसके बारे में आप बताएं? नीपा वायरस अभी हाल में हम लोग ने कई साल वर्षों से केरला वगैरह क्षेत्रों में साधन इंडिया में ज़्यादा देख रहे हैं। ये पहले मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड इस एरिया में पाया जाता था। ये जो चमगादड़ के द्वारा जी, जो फ्लाइंग फॉक्स जिसे बोलते हैं, उसके द्वारा सुअर में, पिक्स में ट्रांसमिट होता है और उसके बाद ये आदमियों पे जाता था। फिर आदमियों के खांसने से, छींकने से, उनके सीक्रीशन से ये दूसरे लोगों पे प्रभावित करता रहा है। तो ये निपा वायरस शॉर्ट में एक इस तरह का वायरस है। सर, इसके लक्षण क्या है, कैसे कोई आदमी पहचान सकता है कि वो इसका शिकार हो चुका है? निपा वायरस के लक्षण आम तौर पे अलग दूसरे वायरसों की तरह हैं, जैसे जुकाम होना, छींके आना, खांसी होना, सांस में दिक्कत होना, शरीर में दर्द होना, बहुत तेज बुखार होना, ये इनिशियली 3-4 दिन तक। फिर धीरे धीरे आदमी को कन्फ्यूजन सा लगता है, याददाश्त में कमजोरी लग सकती है, फिट्स आ सकते हैं, दौरे आ सकते हैं और वो कोमा में भी जा सकता है, बेहोशी की हालत में जा सकता है और अंत में डेथ रेट भी इसके बहुत हाई है, लोग मर भी सकते हैं इससे। जी सर, कहीं ना कहीं ये वायरस कोरोना वायरस को पीछे तो नहीं छोड़ देगा, क्योंकि एक जो लहर थी कोरोना वायरस की और अब एक निपा वायरस, क्या इसमें अंतर है और किस तरीके से? देखिए, इसमें अंतर यह है कि जो कोविड वेरिएंट था बहुत ज़्यादा कॉन्टेजियस, मीन्स उसकी क्षमता फैलने की मल्टीफोल्ड थी। यदि हम लोग जो एक देखते हैं, निपा वायरस की क्षमता उतनी फैलने की नहीं है, वरना निपा वायरस बहुत क्षेत्रों में बहुत सालों से वेव के ऊपर आ चुका होता। वैसा नहीं देखा गया है, क्योंकि निपा वायरस नया नहीं है, वो किसी देशों में पहले भी था जी। और ये जूनोटिक डिजीज है, बैट से चमगादड़ों के थ्रू फैलता है, तो ये उम्मीद मैं नहीं कर सकता कि ये कोविड की तरह होगा जी। सर, क्या ये बच्चों को अपना शिकार बनाता है या फिर इसके अंदर जो बड़े हैं वो भी इसका शिकार हो सकते हैं, क्योंकि केरल में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, तो किस वजह से सर ये हाई अलर्ट इसलिए जारी किया कि वहाँ पे केसेस आ गए। कोई भी एपिडेमिक जब होती है, जब कुछ भी केस जो नए आते हैं और जो डिजीज़ वहाँ की क्षेत्र की नहीं है, उसको हम एपिडेमिक बोलते हैं जी। और वहाँ पे नए केसेस आ रहे हैं और ये किसी भी एज ग्रुप को कर सकते हैं, ज़्यादातर छोटे बच्चों को या बुजुर्गों को ये ज़्यादा करते हैं, या जो लोग आपके डायबिटीज़ के, मधुमेह के शिकार हैं, या जिनको फेफड़ों की प्रॉब्लम है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, या जो कीमोथेरापी कैंसर की दवाइयाँ खा रहे हैं, उनको अपनी चपेट में ज़्यादा ले सकता है जी। और ये बहुत घातक है जी, इसका मोर्टिलिटी रेट कोविड से कई गुना ज़्यादा, मोर्टिलिटी रेट में से मरने की संभावना 45-75% लोग निपा वायरस के बाद मरते हैं जी। तो ये बहुत ह्यूज है, जबकि कोविड का रेट हार्डली टू 1.5%, वो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, इसलिए ये ज़्यादा घातक है, इसलिए हमें ज़्यादा अलर्ट रहना चाहिए। सर, इससे बचाव कैसे कर सकते हैं, कैसे इससे बचा जाए, क्या प्रिवेंशन लोग इससे लें? इसको बचने के लिए सबसे पहला हाइजीन, कोविड ने हमको सिखाया है अपने हाथ धोना, मास्क यूज़ करना। जब हमें कोई भी सिम्टम इस तरह के होते हैं, जब हमें जुकाम हो रहा है, खांसी हो रही है, हम एंडेमिक जोन में जहाँ पे निपा फैल रहा है वहाँ पे हैं, तो हम अपने घर के अंदर रहें, मास्क का इस्तेमाल करें, लोगों को वापस अपना बिहेवियर पैटर्न जिस तरह कोविड में हिंदुस्तान ने विजय हासिल की थी, हमने उसी तरह हमें विजय हासिल करना है तो हमें अपने बिहेवियर को वापस उसी तरह लाना पड़ेगा जी। तो सर, इसके चांसेस है कि और जो स्टेट हैं उसमें भी फैल सकता है, कुछ इस तरीके कुछ चांसेस? बिल्कुल, यदि हमारा हम आज निपा वायरस से हम ग्रसित हो रहा हूँ, मैं जो जुकाम खांसी से होता है, अब मैं उस जगह से ट्रेवल करता हूँ, ट्रेन में जाता हूँ, मेट्रो में जाता हूँ, प्लेन में जाता हूँ, दूसरे शहर जाता हूँ, दूसरे प्रदेश जाता हूँ, तो मैं डेफिनेटली इन्फेक्टिविटी बढ़ाऊँगा जी। सर, जो ये वायरस है, एक तरीके से देखा जाए तो इसमें लोग घर पे ही इलाज करते हैं, घर पे ही उपचार करना शुरू कर देते हैं इस चीज़ का, तो उसके लिए आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, कैसे उससे लोग बचें? नंबर वन, दोनों तरफ की जागरूकता की ज़रूरत है, मरीजों में भी और डॉक्टरों में भी। यदि हमें जुकाम हो रहा है, खांसी हो रहा है, फ्लू हो सकता है, बट केवल ये इन्फ्लुएंजा नहीं भी हो सकता है। जैसे हमें कोविड में था कि हम लोग मान के चलते हो सकता है कोविड हो, टेस्ट करो, टेस्ट करो, टेस्ट करो जी। सेम चीज़ निपा के लिए, उस एरिया में आप रहते हो, टेस्ट टेस्ट एंड टेस्ट।
ये एक होता है कि आपके पास जुकाम खांसी का पेशेंट आया, आपने उसका PCR टेस्ट किया, आपने उसको डिटेक्ट किया, उसको आइसोलेट किया, क्योंकि यही इलाज है जी। तो इसमें विजय पानी है तो आपको वापस उसी तरह करना होगा जी। जैसा कि आपने जानकारी हासिल की कि कैसे इस वायरस से बचा जा सकता है, क्या इसके लक्षण हैं और कैसे इस वायरस को आप घर की जगह डॉक्टर के पास जाके जल्दी टैकल कर सकते हैं, और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें इंडिया टीवी।